अलग प्रधान जी क्या कर लें जी सर, पहला बात का इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। सरकार ने बहुत कोशिश करी थी इलेक्शन को किसी तरह टाला जाए, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी भी लिखी कि हरियाणा में कोरोना की वजह से हालात अभी तक ठीक नहीं है, इसकी वजह से इलेक्शन को डिले किया जाए। एक चीफ सेक्रेटरी की तरफ से चिट्ठी भेजी गई इलेक्शन कमीशन को ये कहकर, और उसके एक हफ्ते के बाद हाईकोर्ट में पंचायत के चुनाव को लेकर के डेट उसके अंदर दूसरी चिट्ठी दी गई, दूसरा एफिडेविट दिया गया हाईकोर्ट में कि हमारे यहाँ हालात सामान्य है, चुनाव कराने में कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कोर्ट हमें इजाजत दे ताकि हम पंचायत के चुनाव करा सकें। दो अलग अलग चिट्ठियां जब लिखी तो मैंने दोनों चिट्ठियों का हवाला इलेक्शन कमीशन को किया। आप कह लेंगे यार वो तो एक तरफ आपको तो इलेक्शन करवाने से मना कर रहे हैं, दूसरी तरफ एफिडेविट दे रहे हैं कि हम पंचायत का चुनाव कराएंगे, जो बाकी सूबों के चुनाव होने वार्डगढ़ के चुनाव होने मिले, अगर इलेक्शन कमीशन को हमारा चुनाव भी साथ में डिक्लेयर करना पड़े। लेकिन हराने की बात थी मेरे इस्तीफे के बाद दो सेशन आए और उन दोनों सेशन के अंदर कांग्रेस की जो जिम्मेवारी बनती थी कि उस वक्त इस बात को विधानसभा में वरते कि इलाहाबाद की सीट हमारी वैकेंट है, उसका सरकार को चुनाव कराना चाहिए ना कि उस चुनाव से भागना चाहिए। लेकिन क्योंकि कांग्रेस भी इस बात से डरी हुई थी कि इलाहाबाद का चुनाव आए तो फिर तुम किस मुंह से जाकर के इलाहाबाद के लोगों के रोग होंगे करके वोटना पड़ी, इसलिए उन्होंने भी बीजेपी का साथ दिया और ये इलेक्शन और दो महीने आगे चला गया, समय से दो महीने ज्यादा चला। अब मैं पिछले दो दिनों से तीन दिनों से खबरें पढ़ रहा था, बीजेपी और जेजेपी वालों ने इस इलेक्शन के लिए अपनी तरफ से छह छह लोगों को मुकर्रर किया है। छह लोग बीजेपी ने प्रभारी लगाए, सह प्रभारी लगाए, और इसी तरह कांग्रेस ने भी आठ नौ लोगों की टीम बना करके किसको टिकट दिया जाए इस पर फैसला करें। इसी तरह सरकार ने अपनी तरफ से छह प्रभारी लगाए, हरानी की बात है प्रभारी लगा रहे कैंडिडेट है तो चुनाव लड़ने को तैयार है, किसी ने एक भी एप्लीकेशन दी थी कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे नहीं लगता कि ये 3 तारीख को भी तय कर पाएंगे। कांग्रेस भी कल उन्होंने एक मीटिंग करी थी और उस मीटिंग में कोई टिकट मांगने वाला नहीं था, किसी ने आवेदन नहीं किया, इसलिए उनको भी अपनी मीटिंग जो है पोस्टपोन करनी पड़ी, आगे दोबारा नए सिरे से नाम मांगने थे। कैंडिडेट है जी और इलेक्शन की बात करते हैं, भाषण देते हैं, बयान देते हैं कि हम बहुमत के साथ जीत करके आए। मेरे से कांग्रेस का प्रभारी बंसल जो है वो प्रेस के लोगों के सामने कहते हैं कि अभय सिंह को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, हमारी पार्टी ने तो अभी तक इसके ऊपर कोई मीटिंग भी नहीं करी और ना ही अभी कोई फैसला हुआ। हमने तो कल 3 तारीख को मीटिंग बुला रखी और हमने तो एक फैसला पहले दिन किया था, जब मैंने रिजाइन किया था तब ये फैसला लिया था, ये कहा था कि मैं रिजाइन जो है
मेरे हल्के के लोगों से पूछ करके दे रहा हूँ। और जैसे इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, मैंने प्रेस के माध्यम से एक बात कही थी कि हल्के के लोग जिसका नाम तय करेंगे हमारी पार्टी, उसी की मदद करेगी, उसी को चुनाव लड़ा देगी। मैंने तो कल पंचायत पे छोड़ रखा है, कल वहां इलाहाबाद हल्के के लोगों की पंचायत हो रही है जिसमें मेरे ख्याल 15,000 से 20,000 लोग आएंगे और वो तय करेंगे कौन चुनाव लड़ेगा। ये चुनाव जो है कोई उपचुनाव नहीं है, इस चुनाव से एक चीज का फैसला होगा कि क्या इलाहाबाद के लोग जो है इन काले कानूनों को स्वीकार करते हैं, या इलाहाबाद के लोग जो है ये काले कानून वापिस हो इसके लिए अपना वोट डालते हैं। तो सीधा सा लड़ाई कृषि के 3 कानून काले कानूनों के खिलाफ है, उस पर फैसला करना है। उसी के लिए लोगों ने वहां पंचायत बुलाई और पंचायत बुला करके वो इस पर फैसला करेंगे। जहां कल इस बात का फैसला होगा, वहीं आज हमारे हिसार जिला के बहुत से पुराने साथी हैं जो किसी वजह से किन्हीं परिस्थितियों में किसी दूसरी पार्टी के साथ चले गए। उनमें 20-22 तो सीनियर साथी हैं, कुछ युवा के पदाधिकारी थे हमारे, और उसके साथ साथ 10 ऐसे इलेक्टेड मेंबर है जो पिछले दिन आपके हिसार का जो संस्था का चुनाव हुआ था, जाट संस्था का, उसके इलेक्टेड मेंबर हैं। संख्या करीब 100 के करीब है सबकी। ये सारे आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इन सबका स्वागत करता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ और इनको भरोसा दिलाता हूँ कि पार्टी में इन सब साथियों को पूरा मान सम्मान मिलेगा। मैं उम्मीद जी से कहूँगा कि ये इन सब साथियों के नाम पढ़ करके आपको बताएं कि कौन कौन साथी आज जो है पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज ये सारे साथी भाई साहब के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल को ज्वाइन कर रहे हैं और पूरी ये टीम इलाहाबाद चुनाव में जाके इनके संपर्क हैं, पार्टी के लिए काम करने का काम करेगी। क्योंकि समय इतना नहीं था, नहीं तो सबकी इनकी इच्छा है भाई अपने अपने एरिया में गांव में प्रोग्राम करवाएं, लेकिन इनको ये कह के भाई साहब या करण अर्जुन आपके सबके गांव में घरों में आके प्रोग्राम करेंगे, वहाँ और लोगों को भी ज्वाइन करवाने का काम करेंगे जो इनके गाँव गुआंड के लोग हैं। फिर भी मैं आपको साथियों के नाम बताता हूँ, जोगिंदर सिंह ढुल हैं, युवा के जिला अध्यक्ष हैं किसान सेल के आम आदमी पार्टी के, वो ज्वाइन कर रहे हैं। शमशेर सिंह कुवारी हैं, पूर्व जिला परिषद, प्रदीप गोयत हैं, पूर्व उपाध्यक्ष हैं ब्लॉक समिति नारनंद के, प्रवीण काकड़ो हैं ब्लॉक समिति नारनंद के सदस्य हैं, मूर्ति देवी गैवीपुर पूर्व सदस्य ब्लॉक समिति और पूर्व में प्रदेश सचिव रही है महिला की अभिजत पंप ले गए थे, राजेंद्र माजरा जी हैं ब्लॉक समिति नारनंद से, राजपाल जी सरपंच प्रतिनिधि पाली से, बिल्लू सरपंच एक सरपंच जानी ब्राह्मण से, राजेश सरपंच सिसाए से, राम कुमार सरपंच नाड़ा से, इंद्रजीत सरपंच खेड़ी लोसप से, रामफड़ सरेड़ा है हमारे बहुत हम छोटे छोटे थे इतने पुराने साथी हैं किसान सेल के अध्यक्ष, इंद्र सिंह बूरा हैं, राजकुमार नंबरदार हैं, किताबा हैं गामड़ा गांव से, शमशेर सिंह मांडीवाल हैं रामविलास बेबीपुर से हैं, श्रीपाल खेड़ी से हैं जो ट्रांसपोर्ट रेड बस यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं, सुरेंद्र सिंह कुट्ठी हैं, जय नारायण हैं खेड़ी के जो दलित समाज की द्वारा खाप है उसके प्रधान हैं ये, मा सिंह बिंदो जी हैं पूर्व महासचिव हैं कर्मचारी प्रकोष्ठ के पार्टी के, अब वापिस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी हैं, संदीप सुरैन जी हैं और ये जाट संस्था के हैं इलेक्टेड मेंबर 10, उपेंद्र पानू जी, महीपाल भोजराज जी, संदीप ढिल्लो जी, विजेंद्र सुरैन जी, जितेंद्र जी पानू, अनूप गुजातपुर जी, जसबीर गुदारा जी, राजेश जी, मुन्नी सरपंच ज्ञानपुरा जी, भाई कुलदीप जी,
दो मिनट और आप लोगों की दूंगा। अजय बटाला जी हैं पूर्व में युवा के जिला अध्यक्ष रहे हिसार जिले के, वो आज भाजपा छोड़ के भाई साहब के साथ आ रहे हैं। अशोक पुनिया भी पूर्व में युवा के जिला अध्यक्ष रहे, वो जजपा छोड़ के भाई साहब के साथ आ रहे हैं। शमशेर नाड़ा जी अलका अध्यक्ष रहे नालमंड के, वो भाजपा छोड़ के आ रहे हैं। अनूप सिंगवा जी ये भी पूर्व में अलका अध्यक्ष रहे इन्हें लोग नालमंड के, ये जजपा छोड़ के आ रहे हैं। अमित ढोल जी पूर्व अध्यक्ष अलका के रहे हांसी के, ये भी जजपा को छोड़ के आ रहे हैं। प्रदीप राठ जी हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में इंसो के नेता रहे, वो भी जजपा छोड़ के आ रहे हैं। अमित खटकड़ जाट कॉलेज के इंसो के प्रधान रहे, वो भी जजपा को छोड़ के, ये सन्नी दैया जी इंसो को छोड़ के, विकास सैल जी इंसो को छोड़ के, विपिन जाखड़ जी, प्रदीप धूण जी, सचिन दलाल जी, मोनू दलाल जी, संदीप खटकड़ जी, रविंद्र सातरोज जी, अमित मोड़ा पूर्व जिला अध्यक्ष रहे इनलो के युवा के, वो दोबारा जजपा को छोड़ के हमारे साथ आ रहे हैं भाई के साथ। विकास मैयर जी पूर्व जिला सचिव, ये भी जजपा छोड़ के आ रहे हैं। सुनील खैरी जी पूर्व जिला महासचिव, ये भी भाई साहब को ज्वाइन कर रहे हैं। रामकेश बैणा खेड़ा जजपा को छोड़ के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे, ये भी युवा के। नवीन मोर पूर्व हल्का अध्यक्ष, और संदीप न्याणा पूर्व जिला सचिव, ये भी जजपा छोड़ के ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी। संदीप खरबला जी इंसो से भाई साहब के साथ आ रहे हैं। अशोक मलिक जी पूर्व हल्का उपाध्यक्ष, किरण यादव जी पूर्व जिला उपाध्यक्ष, गोपाल सियाग जी, विनोद टोकस जी, सुशील सिसाई जी, ये सारे साथी जजपा में चले गए थे। अनिल सरसोत जी, दिनेश ढिल्लो जी, चरण सिंह बालकिया जी, चरण सिंह बालक से बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है भाई साहब की, बाद में जनसभा भी करवाएगा। संदीप मोरबास से, राजू पाली से, नवनीत संधु इनसो छोड़ के आ रहे हैं, कुलदीप मोर, प्रदीप पानू, अनिल सिंहवा, राजकुमार ढाड, ये सारे जजपा छोड़ के पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सतीश जांगड़ा हैं पूर्व जिला महासचिव इनसो, अखिल भारतीय विश्वकर्मा संघ के भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये भी भाई साहब को ज्वाइन कर रहे हैं। सोनू जांगड़ा पूर्व हल्का अध्यक्ष अलग अखिल भारतीय विश्वकर्मा संगठन, ये भी ज्वाइन कर रहे हैं। अमित जांगड़ा पूर्व लोकसभा सभा अध्यक्ष अखिल भारतीय विश्वकर्मा संगठन, ये भी ज्वाइन कर रहे हैं। महावीर जांगड़ा जी, विकास जांगड़ा जी, विकास मलिक और विशाल मलिक, ये सारे साथी छोड़े सारे भाई साहब के नेता। इनकी एक एक काफी हम आप सर, आपने पहले कहा था कि महासेवों के पास चुनाव लड़ सकते हैं, वहाँ पर आपसे कोई कमीशन के लिए आए थे सर? मैंने आपसे बड़ा खुश करके बताया कि हमारी पार्टी का एक फैसला है कि जो पंचायत फैसला करेगी कल, पंचायत के यदि चुटाला साहब चुनाव लड़े तो चुटाला साहब के लिए प्रयास करेंगे कि इलेक्शन कमीशन से परमिशन हो। पंचायत किसका नाम तय करिए उनके ऊपर डिपेंड करता है, और उस पंचायत में कोई 200-400 लोग नहीं होंगे, 15,000-20,000 लोग होंगे, ये वो फैसला था। चुटाला साहब को तो हम चुनाव लड़ाएंगे जब जनरल चुनाव होगा। इलाहाबाद इलेक्शन को लेकर बीजेपी का भी एक बयान सामने आया है कि संयुक्त किसान मोर्चा को इलाहाबाद में अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए बीजेपी का। बीजेपी ये बात कहती है, बीजेपी तो किसान को किसान मानती नहीं, तो फिर वो किसानों को सलाह क्यों दे रही है? फिर तो सलाह नहीं देनी चाहिए। और अगर संयुक्त मोर्चा कोई किसान कैंडिडेट खड़ा करेगी तो उस पर विचार करें। चर्चाएं गोविंद कांडा को लेकर के भी है कि बीजेपी उसे अपना कैंडिडेट बना सकती है। आप ये देखो ना, फिर दिवालिया की प्रक्रिया बीजेपी का, जिस पार्टी के पास अपना उम्मीदवार ही नहीं है वो फिर किस लिए मीटिंगे कर रहे हैं और किस लिए प्रभारी लगा रहे हैं? ये तो दिवालिया पिटने वाली बात है, नहीं है उनकी पार्टी के पास आज की डेट में कोई उम्मीदवार नहीं, इसीलिए तो गोविंद कांडा का नाम दे रहे हैं। एक कैंडिडेट जेजेपी से भी है, बताया जा रहा है कि वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकता है, ऐसे भी कुछ कयास है कल से। अच्छी बात है, तो स्वागत करेंगे वहाँ, और मेरे से पहले वहाँ के लोग स्वागत करेंगे उनका। आप भी आना और देखना स्वागत कैसा होता है। के अलावा भी कोई मुद्दा रहेगा चुनाव? सबसे बड़ा मुद्दा यही है आज देश में,
और हरियाणा का किसान जो है लगातार पिछले 10 महीने से इन 3 कृषि काली कानूनों के खिलाफ अपना घर बार परिवार खोल करके लड़ रहा है, तो इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है। डांकी परचेज भी रोक दी है, डांकी परचेज रोक दी नहीं, किसान का धान सरकार नहीं खरीदेगी। MSP की बात कर रहे थे और आज किसान का धान जो मंडियों में रुल रहा है, बाजरा टोटल इन्होंने खुल करके कह दिया कि हम एक पहले तो कहते थे कि एक दाना खरीदेंगे और अब कह दिया कि कोई एक दाना भी बाजरे का नहीं खरीदेंगे। उल्टा ये कहा कि 500 या 600 रुपये देंगे, वो 500-600 रुपये केवल ज्ञान है इनके। आज की डेट में बाजरा बाजार में बिकता है 1200 रुपये, अगर इनके 500 रुपये और भी मिला लग गया 600 मिला दो तो 1800 हो जाएगा। बाजरे का MSP आज भी 2200 रुपये है, 2250, तो 450 रुपये किसान का खा गए नहीं खा गए। सर सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं, हो सकता है ये कयास हो कि इस उपचुनाव से पहले किसान आंदोलन को लेकर के कोई 20 का रास्ता निकाला जा सकता है, MSP पर सहमति और 2 कानूनों को वापस लेने की चर्चाएं अभी तक हैं, इसे किस तरीके से आप देखेंगे? ये फैसला तो किसान यूनियन ने करना है, मोर्चे ने करना है, आपका रिएक्शन से वो उनको बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, वो कितना सहमत होते हैं। हमने तो पहले दिन से ये कहा है कि जो फैसला वो करेंगे हमारी पार्टी उसका समर्थन करेगी। सर एक सवाल है, जैसे जी BJP और कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि आज के 3 कृषि कानून हट गए हैं, जो अभय चौटाला दोबारा मैदान में उतरेंगे, INLO उतरेगी। मैंने कहा ना कि मैं तो कह घबरा हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा, ये आपको किसने कह दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा? मैंने कहा ये फैसला पंचायत करेगी। पार्टी तो उतरेगी सर इसकी, INLO हमारी पार्टी ने पंचायत पे छोड़ दिया कि वो पंचायत फैसला करे, वो अगर हमारी पार्टी का आदेश करेगी चुनाव लड़ो तो लड़ेंगे, अगर वो कहेंगे ना लड़ो तो नहीं लड़ेंगे। अच्छा नहीं लड़ेंगे। एक सर मतलब आप पहले विधायक थे पूरे देश में जिन्होंने इस्तीफा दिया था इकलौते, तो अब आप क्या मानते हो कि पिछली बार आपका मुकाबला BJP से था, तो इस बार आपके मुकाबले में कौन हो सकता है नियर अबाउट? मेरे मुकाबले की बात तो तब पार्टी 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 अब आप देखते हो पार्टियों के पास कैंडिडेट नहीं है, पंचायत के मुकाबला आप कहाँ किसकी बात करोगे? पंचायत के कैंडिडेट के मुकाबले में कौन होगा? जो पंचायत होगी कभी उनका तो कैंडिडेट होगा, उसका मुकाबला किससे हो सकता? किसान का मुकाबला तो सरकार से होता है, BJP सरकार से लड़ता है किसान। कुछ खबरें इस तरीके की भी थी सर कि कल की जो कांग्रेस की बैठक थी उसमें कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कुमारी शैलजा को कहा कि उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए एलनाबाद का स्वयं, और साबित करना चाहिए कि कांग्रेस मजबूती के साथ हरी वाले को कांग्रेस ने उकसाया था कि तो एक दूसरे का बैर काट रहे। अब ये शैलजा को उड़ाने के चक्कर में वो भाग रही है, हम तो कहते हैं लड़े शैलजा अच्छी बात है, शैलजा सरसा से सांसद रही है उसको चुनाव लड़ना चाहिए। JJP से कोई भी मैदान में नहीं आ रहे, इसको सर आप क्या मानते हो? दूसरा उपचुनाव है लगातार सरकार का, इसमें भी इनका कोई नहीं है। अजय सिंह जी का एक बयान था, उन्होंने अपने जन्मदिवस के ऊपर इस राणा में रैली में कहा था कि अजय सिंह हमारी वजह से चुनाव जीत करके आए, अगर हम वहां पे चुनाव प्रचार में जाते थे चुनाव जीतते थे। मैं आपके माध्यम से भी उनको कहना चाहता हूँ और मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि अगर उनको इतना गरूर है अपने आप में कि वो इलाहाबाद के अंदर भी कहीं उनकी पार्टी की कोई जगह है तो वो उचाणा से रिजाइन करे, मैं इलाहाबाद से करूँ, मैंने तो इलाहाबाद से रिजाइन कर रखा है। अब उनके पास मौका है अभय सिंह को हराने की, तो चुनाव लड़ना चाहिए, वो चुनाव लड़े उनका भी बहुत स्वागत करेंगे लोग, हर रोज कर रहे हैं, कब भी हुआ आपने देखा? आज भी हुआ आज कहाँ कर दिया? इलाहाबाद, आज इलाहाबाद में कर दिया, किसका किया? BJP का सुना सर, मैं JJP की बात करूँ, मैंने उनका भी स्वागत करवा नहीं, वो इकट्ठे हैं ना।
एक सिनेरियो ऐसा भी बन रहा है सर कि तीन पार्टियां हैं, मान लीजिएगा कि आप चुनाव लड़ते हैं पंचायत में, जो भी फैसला हो, कांग्रेस बीजेपी उनके सहयोगी जेजेपी, ये तीनों मिलकर के संयुक्त उम्मीदवार उतारे, फिर देखो लोग वाकई क्या सबक देते हैं। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिली हुई है, अगर मिले हुए ना होते तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या सहजा कभी ना कभी ये बयान जरूर देते कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हरियाणा का इलेक्शन क्यों है, उसके लिए हम कभी चर्चा नहीं करी। तो आपस में मिले हुए हैं, नहीं मिले हुए, अब इनको मिलकर चुनाव लड़ने डाली ताकि लोग जो है एन अच्छी तरह से सारी चीज क्लियर कर। सर मेरा सवाल था कि एक सिनेरियो बनने की संभावना है कि मान लो कि पंचायत में आपका नाम आता, आप चुनाव लड़े, उसके बाद बीजेपी की तरफ से आदित्य टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कैप्टन अमरदीप हैं वो दावेदारी कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो एक ही परिवार के लोग आमने सामने होंगे, किस नजरिए से लेंगे आप इसको? वो तो लोग फैसला करेंगे, लोगों का वोट है, उन्होंने तय करना है किसको देना है किसको नहीं देना है, मतदाता की अपनी मर्जी होती है, उसमें किसी का नजरिया नहीं चल सकता। एक सर बीजेपी नेताओं की तरफ से बार बार बयान आ रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा अपना उम्मीदवार उतारे इलाहाबाद में, लगातार वो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि अब उतारो अपना उम्मीदवार, तो इस चीज को आप कैसे देखते हो? बीजेपी ये सलाह दे रही है उनको, तो आप उनसे पूछो ना किसान नेताओं से जाकर के, वो बीजेपी की सलाह मान लेती है? उन्होंने तो मना कर दिया, मना कर दिया, फिर ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया, फिर क्वेश्चन कहाँ रहे? बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर।